So if I play dead, will you regret everything that you did that you What's up guys, आज का ये मेरा तीसरा है, चौथा व्लॉग है। अब हम जा रहे हैं वापस, अभी हमने खाने का थोड़ा सामान ले लिया, हम जा रहे हैं वापस अपना उधर, कहाँ जा रहे हैं, आयरलैंड जा रहे हैं। और इसको मैं तो यही रहूँगा, ये यहीं रहेगा, इसको हम करेंगे बाय। और भाई इसने इमोशनल कर दिया, बस बहुत हमें घुमा दिया पूरा, इतनी खातिरदारी करी ना, बस ये भी इमोशनल हो गई। मुँह नहीं दिखा पा रही, ऐसा क्या काम करा है जो क्यों कट नहीं कट कुछ नहीं होता, बोलो। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूं, लेकिन एक्चुअली बहुत हेल्प करी हमारी, वही तो दिल से ग्रेटफुल, वरना हम ऐसे बैठे होते स्टेशन पे ही ये तो फिर हम सीधा फ्लाइट करके उल्टे ही जा रहे होते। इसकी बस आ गई यार, खुद ही वीडियो बना रहे हैं। रेवाड़ी मिलेंगे क्या आपको? हम मिलेंगे नाई वाली चौक, नाई वाली चौक। बाय गाइस, बाय यार, इसकी बाय, टेक केयर, टेक केयर, बाय। मैसेज कर दियो, बहुत सी इमोशनल हो रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा। मैं तो ऐसे करने वाला था, पंजे नंबर रिशन है वाला था ये बहुत ज्यादा थक चुकी है, मैं थक ही नहीं हूं, मेरे को भूख लग रही है। हाँ तो खा लो ना, इसको भूख लग रही है, सैंडविच लाया खा लो, इसे थक गई है बहुत ज़्यादा, अगर ये भूख लग रही है। फिर अब हम भी जाएंगे, अब हमारी बस है, अब हम बस पकड़ के जाएंगे, कुछ नहीं बोल रहा, अब हम बस पकड़ के जाएंगे, इसको अलग टेंशन नहीं कर रहा तुम्हारी बेइज्जती है नहीं, बट फिर भी ये वीडियो बनानी है, इसे तो ये बोलते जा रहा है, वीडियो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लाइक कर देना। ये भाई बेलफास्ट की वॉरशिप है जो यहाँ पर खड़ी है, ये देखो कितनी बढ़िया भाई। अभी हमने वो खाया जो अभी हमने खाने का लिया था, ब्रेड और वो सब, और हमने यहाँ से ये लिया, कितना हाँ फ्रिज ये भागते हुए, और अभी हमने यहाँ से ये लिया, ये फ्रिज पे लगाने वाले होते हैं, इसने ये लिया ऊपर वाला, मैंने ये लिया, जो हमने जगह यहाँ पे घूमी है मेन मेन पांच छह जगह इस पे बनी हुई है, और ये इसने एक पोस्ट है, ये इसने एक पोस्ट कार्ड लिया, इस पे पता नहीं लिखते हैं, लिख के रख लो बस, नहीं बेसिकली पोस्ट कार्ड पे क्या होता है, एड्रेस लिख दो तो वो स्टैम्प हो के आपके घर पे आता है। स्टैम्प किस चीज की? यहाँ की लंदन की स्टैम्प, फिर उससे ऐसे मेमोरीज की तरह रख लो ऐसे। अच्छा, बट अभी मेरे पास स्टैम्प वैम कुछ नहीं है, मैं खुद के लिए मेमोरीज के लिए लिखूंगी डेट वेट की मैं कहाँ गई थी, दिस इज माय ट्रैवल कलेक्शन, और मेरी मेमोरी ये है, ये जो मैं बना रहा हूँ कि मैं कहाँ गया था, और ये हम फ्रिज पे लगाएंगे। आप हमारे घर कभी भी आओगे तो आपको हमारी फ्रिज पे जो भी मैग्नेट है उससे पता चल जाएगा हम लोग कहाँ कहाँ ट्रैवल। ये एक और भी लेके आई थी, वहाँ गई थी रिंग ऑफ कैरी अपने दोस्तों के साथ जब मैं इंडिया था, कैरी। भाई अभी हम जा रहे हैं उधर विक्टोरिया कोच स्टेशन, जहाँ पे हमारी बस आएगी उधर जाने की, कहाँ एयरपोर्ट। तो अभी हम पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है यार, अभी है ना 10:30 बज रहे हैं, 10:30 नहीं है मेरी घड़ी आ गई, 1 घंटे 9:30 बज रहे हैं, सिटी लाइफ देखे 9:30 बज रहे हैं। हाँ हाँ, डब्लिन में तो अब चल नहीं पाते, तो हम यहाँ घूम रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन है 1:30, और यहाँ से पैदल जाएंगे ना 3 किलोमीटर है, 1 घंटा लगेगा, तो हम सोच रहे कैसे निकालें हम इतना टाइम, 4-5 घंटे। अभी यहाँ रास्ते में हमने अमेजोन देखा, अमेजोन का ग्रॉसरी स्टोर, ये नया आया है आयरलैंड में तो अभी तक नहीं बना, US में ही बना, मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, उसमें पता क्या होता है, आप बस अपना एक कोड होता है ऐप में, वो कोड स्कैन कर दो अंदर घुसते हुए, फिर आप कुछ भी उठाओ, उठा के बाहर आ जाओ, जैसे कहीं से चोरी करते हैं ना वैसे, मतलब उठाया बिना पे करे बाहर आ जाओ बस, फिर वो आपके कैमरे लगे होते हैं और वो रीड कर लेते हैं कि आपने ये उठाया ये उठाया ये उठाया एक एक चीज़, और इतने पैसे लगे, वो आपके ऐप में आ जाते हैं कि आपका इतना बिल हो गया, फिर आप अपने ऐप से पे कर दो, उसे वहाँ अंदर पे करने की ज़रूरत है, इतनी सही टेक्नोलॉजी है ना, बढ़िया। यहाँ पे देखा मैंने फ़र्स्ट टाइम, आयरलैंड में तो अभी नहीं खुला है, देखते हैं कुछ टाइम में खुलेगा तो, अमेजोन का ग्रॉसरी स्टोर। यार मेरे तो फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, 4% रह गई है, पता नहीं ब्लॉग बन पाएगा कि नहीं, देखता हूँ कहीं चार्ज करूँगा। ये पीछे किंग्स कॉलेज लंदन है, ये मैंने नाम सुना है, पता नहीं कहाँ सुना है, और ये दिखा रहा हूँ भाई, ये देखो, ये ऐसे नहीं लग रहा कोई स्टेडियम हो, ऐसे लग रहा है कोई स्टेडियम हो, पता नहीं क्या हो, ये चौक है जो सर्कल होता है हमारे वहाँ पे, तो बीच में घास वास बनी होती है ना, इन्होंने उसकी बजाय ये बना रखा है, इतना बड़ा यहाँ पे वो होने वाला है ना यूरो 2022 UEFA फुटबॉल का मैच,
तो उसके बारे में इन्होंने वो कर रखा है, पूरी स्क्रीन है मेरे हिसाब से क्या मतलब स्क्रीन ही है, और स्क्रीन पर इन्होंने पूरा प्रमोशन कर रखा है। जैसे US में हम नहीं देखते वो कौन सी जगह है, भूल गया है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती है और बहुत मुश्किल से वहाँ पे नाम आता किसी का। भाई ये रास्ते में लंदन आई आया बात को, तो भाई ये इतना चमक रहा है, ये देखना अलग ही भाई, पर्पल कलर का मस्त लाइटें जल रही है रात को इसमें, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और फिर इसका जो यहाँ पे जो ब्रिज है वो हमें क्रॉस करके फिर उधर जाना है विक्टोरिया। तो अभी यहाँ पे थोड़ा डोनट खाते हैं बैठ के, फिर जाते हैं विक्टोरिया, वहाँ पे देखते हैं कुछ है तो नहीं है, तो फिर हमारी बस तो है ही वहाँ से। यार एक चीज़ वैसे नोटिस करी, ये देखो ये जो है लंदन आई, इसके अंदर जो स्पोक्स बने हुए हैं ये साइकिल की तरह नहीं है, जैसे साइकिल के टायर में होते हैं एकदम वैसे ही स्पोक्स बहुत सारे, ये देखो है ना जी भाई साहब, एकदम साइकिल का टायर जैसा लग रहा है। कुछ तो रीज़न होता होगा कि साइकिल के टायर ऐसे क्यों हैं, उसके अंदर स्पोक्स क्यों हैं, तभी ये इतना बड़ा इन्होंने सर्कल उस वैसे ही बनाया स्पोक्स डाल के, और ये पीछे से बांध भी रखा है पूरा ऐसे है, तो बहुत बड़ी मतलब मेहनत वाली चीज, बहुत इसमें मेहनत लगी होगी बनाने में। एडिट नहीं करने दे रहे वीडियो, यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ बढ़िया हंसे जा रहे। तो अपनी व्यूअर्स को बताइए तूने क्या बकवास बकी है वीडियो में। भाई अभी हम जा रहे हैं विक्टोरिया, ये देखो ये पीछे बिग बैन है वो जो घड़ी होती है, आगे हमारा वो आएगा, रिविजन करा रहा हूँ आपको सब जगह जब घुमाई थी ना यहाँ पे ब्लॉग बनाए घूमने का, और वो है क्या कहते हैं आगे बर्मिंगम पैलेस बकिंगम हाउस वो है। और अभी हमने टेस्को से ना कुछ ले लिया खाने का, हम सोच रहे थे यार बाहर खाएंगे बढ़िया, कल खाया था कल वाला तो इतना अच्छा नहीं था बाहर का, और अभी सोच रहे थे खाएंगे कहीं और अच्छी जगह, पर 10 बजे बंद हो जाते हैं यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट, मेरे को लगा देर तक खुले रहेंगे। तो फिर अभी हमने टेस्को से सामान लिया, टेस्को ही बंद होने वाला था क्योंकि 11 बजने वाली है, टेस्को से हमने लिया एक तो पास्ता कोई, और हमने लिया है क्या लिया, और पास्ता और गार्लिक नान, और वही यही कल खाया था, पास्ता नहीं मतलब वो मैक्रोनी टाइप है, कल भी यही हमने गार्लिक नान रेस्टोरेंट में मंगाया, ब्रेड वाला दे दिया उसने। अब मैकडॉनल्ड्स और वो खुल गया है, वो सब खाने का, हाँ मैकडी एकडी का मन नहीं है, वो खा लेंगे एयरपोर्ट पे जाके अगर हुआ तो। ऐसे रोक क्यों बोल रही, थक चुकी, थक गए ना तो। सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लंदन की लगी, तुम्हें क्या लगी सबसे अच्छी चीज? हाँ सेम, शाम का सुबह का भी सही, मेरे को तो वही सबसे अच्छी चीज मौसम लगी, इतना बढ़िया। आयरलैंड में तो वैसे घूमते इतनी तेज हवाएं चलती है सिर में दर्द हो जाता है, और बहुत तेज हवा ठंडी हवा, और कभी जैकेट पहनो उतारो पहनो उतारो बारिश, यहाँ पे एकदम इंडिया जैसा वेदर है भाई, मतलब दिन में गर्मी है तो गर्मी है धूप है, और फिर शाम आते आते तो ठंडा हो जाएगा, और फिर बारिश भी ऐसे नहीं है एकदम से हो जाए, और फिर यूँ भी नहीं है कभी जैकेट पहनो उतारो। रात को थोड़ी सी ठंड हुई 11-12 बजे का, तो हल्की सी एक जैकेट पहन ली, ऐसे वेदर में घूमने का ही मज़ा है। आयरलैंड भी बहुत अच्छी है घूमने की, बहुत मस्त मस्त है, पर वो ये कभी बारिश हो जाए फिर कभी ठंड हो जाए, कभी ऐसे गाड़ी हो तो फिर अपना रख लो उसमें जैकेट वैकेट वो सब है। ये भाई बकिंगम पैलेस है, रात को ऐसा दिख रहा है ये, और इसके साइड से हम जा रहे हैं यहाँ से अपने स्टेशन वाली साइड। हमारा मन था रात को ये सब चीज़ें देखने का कि रात को कैसी दिखती है, और हमारा टाइम था अंधाधुंध। रिक्शा भी चलती है भाई यहाँ पे, देखो रिक्शा जा रही पूरी सजा रखी है, स्पीकर लगा के गाने बजा। अब हमने M&S से ये लिया बनाना फ्लेवर्ड मिल्क 1.5 pound का, पर भूख लगती है ना। गाइस मैंने कहा था ना ये बंदा हर जगह ग्रोसरी लेता है, मेरा नाम डालते वीडियो में। पेट जरूरी है भाई, खाना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं आगे मिले ना मिले, हमने बैकअप के लिए अपने ले लिया नान वान जो भी बताए थे बढ़िया, सब्जी भी ले रहे थे यहाँ पे, आलू की सब्जी थी 2.5 pound की, पर वो फिर गर्म ना हो पाती तो फिर वो नहीं ली हमारे पास, वो है वैसे खाने। पनीर ढूंढ रही थी, कहती पनीर मिल जाए ना मैं पनीर ठंडा खा लूँगी, हाँ पर पनीर इसको मिला नहीं, आलू की सब्जी थी। और ये हमारे गार्लिक नान है, और ये हमारा पास्ता। भाई ये बनाना ये नहीं पी पा रही, बोल रही है जो राहुल पिलाता था ना वो एकदम प्योर लगता था, इसमें एसेंस मिला रखा है ऐसा सा लग रहा है बस, अब इसको वो थोड़ी मिलेगा पैकेट की भाई, वो बनाता था। जो मेरा दोस्त था ना भी राहुल जिसके घर रुके थे, वो सुबह सुबह रोज बनाना शेक 2 केले एक बंदे के लिए और 2-3 स्ट्रॉबेरी, इतना हार्ड बनाता था। कह रही अब आदत हो गई, अब ये मेरे को ऐसे पतला सा लग रहा है।
कुछ है इसमें एसेंस का ज़्यादा आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली ये पैस्चराइज्ड रोस्ट का मजा होगा. कैसे रो रो के बोल रही हूँ मैं, बट ठीक है. मतलब बस में आ चुके हैं, हमें दो बस के लिए तो मना हुआ था 12:10 और वो वाली, बट इसमें हमें आने दिया क्योंकि ये हमारा टाइम था 1:30 का. भाई एक यहाँ पे दुकान है कॉफ़ी की, ये दुकान खुली भी नहीं और इतनी लंबी लाइन लग रखी है यहाँ पे, हम भी इसके खुलने का वेट कर रहे हैं यहाँ की. ये लाइए भाई, 15 मिनट हो गए दुकान खुली, अब इसको कॉफ़ी मिली है. अच्छी है लेकिन पता है, अच्छी है, हम तो आ गए भाई. सानू तो ना कोई लेना आया ना कोई कुछ देना आया. पहली बार आया था तब आया था एक ड्राइवर लेने, वो टैक्सी का कॉलेज ने जो भेजा था वैसे मेरा नाम लेके खड़ा था. तब अमीर लाई थी ना, तब अमीर थी हाँ, तब घर वालों ने पैसे दिए थे ना उसके. घर वालों के ही पैसों पे ज़्यादा ऐश करते हैं ना. घर तो आ गया, बस में बैठ गए, अब फिर उतर के एक चेंज करेंगे. अपना फील नहीं हो रहा. उतरती बारिश, उतरती ठंडी हवाएं, चश्मा गंदा हो गया उतरती बारिश की बूंदों से, अपना सा फील हुआ. भाई अभी हम पहुंच गए हैं और एक स्टॉप आगे उतर गए हैं क्योंकि मैं सो रहा था और ये इसका हाथ नहीं पहुंच रहा था वहाँ पे क्योंकि मेरी वाली साइड था बट स्टॉप वाला बटन, और ये मेरे को उठा रही, उठ उठ स्टॉप दबा, मैं इतने में उठा चला गया स्टॉप. घर जा रहे हैं, मेरी मीटिंग है, सिर्फ मीटिंग के मेरे पास 12 मिनट रह गए, 12 मिनट में मेरी ऑफिस की मीटिंग है. 2 घंटे सोया हूँ सिर्फ, 2.5 घंटे. हाँ इसने तो छुट्टी ले ली थी, मैंने वेस्ट नहीं करी, मैंने कहा छुट्टी वेस्ट हो जाएगी यार, मैं सोचा थोड़ा कर लूँगा तंग होके. आवाज तो आ नहीं रही होगी, ये यहाँ पे गीली होती है ना ये जमीन, ये रोड तक. और बाकी एयरपोर्ट का तो बना नहीं पाया, जैसे पता था वीडियो डिलीट करा दी थी जाते उन्होंने सारी. इंग्लिश निकल ले रही इसकी, इंग्लिश खराब हो गई, नींद आ रही है मुझे. नींदों में पर नींद तो आ रही है, कोई ना दोपहर को लंच ब्रेक में ना 1 घंटा सो जाइयो. भाई लक्षित हमसे पहले आ गया, हमारे से पीछे वाली बस में था लक्षित, जस्ट खुद अभी बता रही है, कह रही आंखों की, ये वहीं बताया स्टॉप आती दबा 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 दबा, खुद आंखों की झपकियां ले रही थी. रिश्तों के भी रूप बदलते हैं. इतना घूमे पैरों में छाले पड़ गए.